प्रिय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका इंग्लिश होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आज हम आपको प्रश्नावली 2.1 के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ शर्त बता देते हैं। जो साइन होता है -π/2 से π/2 के बीच में, कॉस 0 से π के बीच में होता है, टेन का मान जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, कोसेक -π/2 से π/2 के बीच में होता है, सेक 0 से π के बीच में होता है, कॉट 0 से π के बीच में होता है। और इसका एक दो फार्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर भी एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर भी एक्स ही होता है। क्लास टेंथ में आप लोग पढ़े होइएगा ये आवर्त सारणी, जो 0 को हम पाई बोलते हैं, 30 को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं, 60 को π/3 बोलते हैं, 90 को π/2 बोलते हैं। टेंथ में आप साइन 30 का मान 1/2 पढ़ते होइएगा। इसमें हमको साइन 30 नहीं पढ़ना है, इसमें हमको साइन π/6 पढ़ना है, साइन π/4 पढ़ना है, इस तरह का पढ़ना है हमको। देखिए प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है? साइन इसमें देखिए, इसमें साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 हम नहीं लिखेंगे, साइन लिखेंगे π/6 लिखेंगे। इसमें इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स, इसमें लिखेंगे साइन -π/6, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ था। अब देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6। इसी तरह हमको बनाना है। ये π/6 जो आंसर आया वो देखो -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं, यदि है तो सही है। π/6 कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ, तो ये -π/2, π/2 कितना होता है? -90 से 90 के बीच में है कि नहीं? है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कॉस इनवर्स √3/2 है, ये कॉस होता है 0 से π के बीच में, तो ये देखो कॉस इनवर्स और √3/2, कॉस कितना का मान √3 होता है? देखो कॉस π/6 का मान √3/2 होता है, तो इसमें लिखेंगे हम कॉस π/6 लिखेंगे, क्योंकि कॉस π/6 का मान √3/2 होता है। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। ये भी देखो π/6 यानी 30 डिग्री हुआ, 30 0 और π के बीच में है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कोसेक इनवर्स 2 है, इसका भी कोसेक शर्त होता है -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहाँ पर देखो कोसेक इनवर्स यहाँ 2 कितना का मान होता है? तो कोसेक π/6 का ही मान होता है 2, तो इसका इसे कट जाएगा, तो हो जाएगा π/6। ये भी -π/2 से π/2 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो टेन इनवर्स -√3 है, टेन का मुख्य शाखा होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो इसमें देखो टेन इनवर्स टेन कितना का मान √3 होता है? देखो इसमें हम दिखाते हैं आपको, टेन π/3 का मान √3 होता है, तो इसमें हम लिखेंगे टेन π/3, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, इससे इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -π/3। ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि π/3 60 डिग्री का मान होता है, तो ये 90 और 90 से बीच के बीच में है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कॉस इनवर्स -1/2 है, इसमें भी कॉस इनवर्स देखो -1/2 है, कॉस कितना का मान 1/2 होता है? कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 60 के लिखेंगे हम कितना, कॉस इनवर्स -π/3, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा -π/3। इसमें देखो ये -π/3 60 है, तो 60 ये माइनस में है, इसका शर्त है 0 से π के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो माइनस में घुस गया, तो ये गलती हो गया, इसको इस तरह बनेगा,
यहाँ पर हम कॉस इनवर्स, इसको हमने कॉस पाई में से पाई बाय थ्री करेंगे, इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको हम कॉस, इसको हम भिन्न के घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा टू पाई बाय थ्री, अब ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा टू पाई बाय थ्री। अब ये देखो जीरो और पाई के बीच में है इसलिए ये सही है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो दो है तो दो गुना पाई बाय थ्री कितना का मान होता है, साठ का मान होता है, तो ये साठ दुना कितना होता है एक सौ बीस, ये देखो जीरो और पाई का मान होता है एक सौ अस्सी, ये जीरो हो गया पाई का मान एक सौ अस्सी, तो देखो जीरो और एक सौ अस्सी के बीच में है कि नहीं है, इसलिए यह सही है। अब क्वेश्चन नंबर छः में देखो टेन इनवर्स माइनस वन है, इसका शर्त है माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू के बीच में, माइनस माइनस जहाँ जहाँ माइनस पाई बाय टू होता है माइनस, इसका अर्थ होता है माइनस नब्बे से लेकर नब्बे के बीच में होना चाहिए इसका मान, तो ये टेन इनवर्स, टेन कितना का मान होता है एक, पैंतालीस का मान होता है, तो लिखेंगे टेन माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि पैंतालीस को हम पाई बाय फोर बोलते हैं, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर, अब देखो माइनस पाई बाय फोर ये पैंतालीस है तो माइनस पैंतालीस है, माइनस पैंतालीस माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में है, तो यह सही है। अब क्वेश्चन नंबर सात में देखो सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री है, इसका शर्त होता है जीरो से पाई के बीच में, तो यानी जीरो से पाई का मान होता है एक सौ अस्सी, तो ये जीरो से एक सौ अस्सी के बीच में होना चाहिए इसका मान, तो सेक इनवर्स, सेक कितना का मान रूट थ्री बाई टू होता है, इसमें हम आपको दिखाते हैं सेक, देखो पाई बाय सिक्स का मान रूट टू बटे रूट थ्री होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक पाई बाय सिक्स, ये कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स होता है तीस का मान, तो तीस देखो जीरो और एक सौ अस्सी के बीच में है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर आठ में देखो इसी तरह सेम टू सेम बनेगा, कॉट इनवर्स रूट थ्री है, इसका भी शर्त होता है जीरो से पाई के बीच में, यानी कि ये जीरो से एक सौ अस्सी के बीच में होना चाहिए, तो ये कॉट इनवर्स, कॉट कितना का मान रूट थ्री होता है, देखो हम आपको दिखाते हैं कॉट पाई बाय सिक्स का मान रूट थ्री होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट पाई बाय सिक्स, ये कॉट से कॉट कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय सिक्स, ये तीस डिग्री का मान हुआ तो ये जीरो और एक सौ अस्सी के बीच में है, अतः यह सही है। क्वेश्चन नंबर नौ में देखो कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू है, तो ये कॉस इनवर्स, देखो ये पैंतालीस का मान होता है वन बाय रूट टू, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस माइनस पाई बाय फोर, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर, जो कि गलत है क्योंकि इसमें माइनस पैंतालीस है, इसका शर्त है जीरो से लेकर एक सौ अस्सी के बीच में, माइनस में तो नहीं है इसलिए यह गलत है। इसको हम फिर से तोड़ेंगे कॉस इनवर्स कॉस, हम पाई में से पाई बाय फोर घटाएंगे, अब देखो कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा चार पाई माइनस पाई, भिन्न घटाव कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर, अब ये कट जाएगा तो बचेगा थ्री पाई बाय, अब ये कट गया तो हो गया थ्री पाई बाय फोर, अब देखो इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं, ये तीन और तीन गुना पाई बाय फोर का मान होता है पैंतालीस, तो इसको गुना करेंगे पैंतालीस तीन कितना होता है, पैंतालीस या लगभग पैंतालीस या लगभग एक सौ पैंतीस होता है, तो एक सौ पैंतीस देखो जीरो और एक सौ अस्सी के बीच में है, अतः यह सही है। अब क्वेश्चन नंबर दस में देखो कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू है, इसका भी शर्त है माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू के बीच में,
तो माइनस पाई बाई टू यानी माइनस 90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो कोसेक कितना का मान रूट टू होता है, देखो कोसेक पाई बाई फोर का मान होता है रूट टू। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाई फोर, तो ये कट जाएगा तो होगा माइनस पाई बाई फोर यानी माइनस 45। तो माइनस 90 और 90 के बीच में है, अतः यह सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।